Anyone who doesn't take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either. Stand for what is truth, even if that means standing alone. कुरुक्षेत्र युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भाई ही भाई के विरुद्ध लड़ा था। सगा सगे के ही रक्त बह रहा था। ऐसे में मृत्यु किसी का भी हो, दुख दोनों पक्षों में बराबर का होता था। जब भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर उनसे मिलने गए। युधिष्ठिर बहुत दुखी और शर्मिंदा थे। भीष्म के उस हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर ग्लानी महसूस कर रहे थे। उनके यह स्थिति देखकर भीष्म ने युधिष्ठिर से, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरे इस स्थिति का जिम्मेदार खुद समझ रहे हो क्या? पूछा, जिसको युधिष्ठिर ने हाँ कह दिया। तब भीष्म ने एक कथा सुनाई। एक समय में देय नामक एक अत्यंत बलशाली विद्वान राजा हुआ करता था, लेकिन उनका क्रूर प्रवृत्ति के कारण प्रजा दुखी थे। कष्ट में पूरे राज्य का जीवन कट रहा था, क्योंकि राजा का शासन कुशासन था। धर्म की स्थापना करने ब्राह्मणों ने उस राजा का वध किया। उसके बाद उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया, जिसका स्वभाव धर्म के अनुरूप था, और उनके कारण राज्य में सुशासन होने लगा। उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की प्रजा भी दुखी है। उनका सुख तुम्हारे शासन में है। इस प्रकार प्रजा के सुख और धर्म की स्थापना के लिए किए गए कार्य के लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, कहा। भीष्म पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर को आत्मशांति का अनुभव हुआ और वह पूरे उत्साह के साथ युद्ध के आगे के दौर में भाग लिए। महाभारत युद्ध यही सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्य कोई भी हो, गलत नहीं होते। अपनों पर प्रेम से अधर्मी का साथ देना गलत होता है। जिस प्रकार महाभारत युद्ध में जितने भी महापुरुषों ने कौरवों का साथ दिया, उनका अंत बुरा हुआ। उनके सारे सत्कर्मों का नाश हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को देश के ऊपर रखा, जिसके कारण उनका नाश हुआ। धर्म का रास्ता सरल नहीं है, लेकिन जो उस पर चलते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है।